गुड मॉर्निंग। इस प्रॉब्लम में जो कि सर्कल से रिलेटेड है, हम लोग एक एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ क्या गिवन है, स्टेटमेंट को रीड कर ले पहले। तो टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहाँ से टू जो टेंजेंट्स हैं वो ड्रॉन किए हैं टू द सर्कल। ये सर्कल है जिसका कि सेंटर ओ है, सच दैट कि जो एंगल आर पी क्यू है, ये जो एंगल आर पी क्यू है वो 30 डिग्री रहे। और एक कोण आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू। और ये आर एस जो अभी यहाँ कोण आप देख रहे हैं, ये पैरेलल है टू दिस टेंजेंट पी क्यू के, राइट। तो हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो एंगल आर क्यू एस फाइंड आउट करना है। तो इन लाइन को ज्वाइन कर दें पहले। जी, एस को क्यू से ज्वाइन कराया, ज्वाइन कर दिया है। तो ये एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, राइट। तो आर क्यू एस इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है पर्टिकुलर, इसको फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ जो बाकी जो दो लाइन है उनको भी अगर हम ज्वाइन कर दें, जो सेंटर से और इस इंटरसेक्ट जो पॉइंट है उसको ज्वाइन करती है, दिस वन एंड ये अनदर वन, यहाँ दूसरा ये, और ये इक्विवेलेंट टू द रेडियस है। तो एक एंगल ये यहाँ पे डेवलप भी होगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा, आर ओ क्यू पी दिस वन। और तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक ट्राइंगल एस आर क्यू ये दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा जो है क्वाड्रिलेटरल जो है आपका, ये दिखाई पड़ता है आर पी क्यू, राइट। आर पी क्यू ओ, तो ये दो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अब आप देखिए कि इस ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल एस आर क्यू है, ट्राइंगल एस आर क्यू, इसके जो तीन ये एंगल हैं एस आर और क्यू, इनका सम 180 डिग्री होगा। सो यू कैन राइट इन दिस वे, आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस आर एंड क्यू, राइट। तो यहाँ इन तीन एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, आर क्यू एस, ये एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को ये दो एंगल जो हैं एस और आर, ये इस प्रॉब्लम में अवेलेबल है, मतलब जो गिवन है इंफॉर्मेशन उसके थ्रू ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब वो कैसे करेंगे, तो अभी यहाँ एक आपके पास में अप्रोच ये है एस आर क्यू, तो और उसके लिए देखते हैं अभी। तो एक पॉइंट हम लोगों के पास में ये क्यू एस आर का है और दूसरा एस आर क्यू का है। तो जो क्यू एस आर है, ये जो एंगल है, राइट, यहाँ, और ये जो एंगल एट दी सेंटर है, इनका रिलेशनशिप है कि ये जो ओ एंगल यहाँ डेवलप होगा इस तरीके से, वो कितना होगा, इसका 2 टाइम्स होगा जो यहाँ इस पॉइंट पर एंगल डेवलप हुआ है। तो अगर हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लें तो हम लोग ऑटोमेटिकली इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं क्यू एस आर का आइडिया हम लोग ले ही चुके हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल से होगा, एस आर क्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को ये आर पी क्यू, ये ट्राइंगल सबसे पहले कंसीडर करना होगा, ट्राइंगल आर पी क्यू, राइट। तो ये आर, ये पी और ये क्यू, तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट इस वे में कर दूं। तो हम लोग पहले इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं वन, तो ट्राइंगल आर पी क्यू, राइट। तो अब फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, दिस डिस्टेंस आर एंड दिस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल। सो यहाँ जो एंगल डेवलप होंगे एट आर एंड क्यू,
वो भी सिमिलर होंगे। तो अप्रोच जो यूज हम लोग कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पी आर एंड पी क्यू, ये जो दोनों साइड्स हैं, दोनों टेंजेंट्स हैं, ये इक्वल है और हमको गिवन है जो एंगल पी है, एंड दैट इज ऑफ 30 डिग्री, राइट। सो क्योंकि ये टू जो साइड्स हैं इस ट्राइंगल की इक्वल हैं, तो इसलिए जो एंगल पी आर क्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर के होगा। तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि इस ट्राइंगल, ये 30 डिग्री है और ये जितना भी होगा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इस ट्राइंगल आर पी क्यू में जो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री का होगा, राइट। तो अभी क्या है कि पी आर क्यू और पी क्यू आर बोथ आर इक्वल, तो हम इनमें से कोई एक एंगल ऐसे लिख सकते हैं। तो टू पी आर क्यू प्लस, और आर पी क्यू जो है, पी जो है 30 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू है, तो दोनों में से कोई एक आप रख सकते हैं। तो यहाँ पी आर क्यू रख लिया है पी क्यू आर की जगह, तो ये हो जाएगा सम इन दो का 2 PRQ प्लस ये 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो है आपका जो 2 एंगल PRQ है उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगा 180 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री, राइट। ऐसे ये मार्क कर दिया, तो 2 PRQ जो है दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो यहाँ से आप पी आर क्यू एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, पी आर क्यू जो एंगल है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 150 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 75 डिग्री। तो जो ये आर एंगल है इस साइड में पी आर क्यू दिस वन, ये आपका कितना होगा, 75 डिग्री होगा। इस साइड में ये कितने डिग्री का हुआ, ये 75 डिग्री का हुआ। ये एंगल कितना हुआ क्यू, ये भी 75 डिग्री का हुआ। तो यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो आपको यूज करना है, बिकॉज ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है टू दी एस आर, राइट, इस सर्कल के अंदर। तो आप इस सर्कल के अंदर एक मैं पिक्चर अगर ड्रा करता हूँ तो वो कुछ इस टाइप से है, ये आपका एस और ये आपकी आर है, राइट, और ये आपका ये क्यू कोड आर क्यू कोड है, और इसके पैरेलल आपका ये लाइन है पी। तो यहाँ हम लोगों ने अभी जो एंगल फाइंड आउट किया है वो ये एंगल फाइंड आउट किया है 75 डिग्री, राइट। तो ये जो लाइन है दो पैरेलल है और ये कोड इनको ज्वाइन करती है, तो अगर ये एंगल 75 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, वो भी 75 डिग्री होगा, राइट, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उसके कारण। तो अब आर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, तो आर कैसे फाइंड आउट किया है, ये जो पी आर क्यू ट्राइंगल था इसको कंसिडर करके, राइट। तो यहाँ पे ये दो एंगल सेम क्यों है, क्योंकि इनके दो साइड जो है वो इक्वल है उस पॉइंट ओ पी से। तो एक आर एंगल हम लोगों का फाइंड आउट हो चुका है, ये सेकेंड पॉइंट पे हम लोगों को कितना एंगल मिला, ये मिला है 75 डिग्री। तो अब इस पार्ट में से अभी क्या बचा है, ये क्यू एस आर बचा है, मतलब कि एस एंगल कितना होगा। तो एस एंगल हम ये एंगल हम लोग अगर फाइंड आउट कर लें ओ, तो हम लोग ओ ये एस एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एस जो है यहाँ जो एंगल यहाँ डेवलप हुआ है उसका हाफ होगा। तो देखिए नेक्स्ट, अभी जो क्वाड्रिलेटरल है वो पी क्यू ओ आर है, पी क्यू ओ आर जो क्वाड्रिलेटरल है
राइट। तो उसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि ये 30 डिग्री का है पी, ये आपका 90 डिग्री का होगा, क्योंकि तब ये यहाँ इस रेडियस तक ये ऐसे काउंट होगा लाइक दिस वन, क्योंकि ये जो रेडियस है इस इंटरसेक्ट जो पॉइंट है आपका यहाँ सर्कल पर उसको ज्वाइन करते हैं, एंड बाय यूजिंग द थ्योरम ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो अब ये 30 है, ये 90, ये 90, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ओ को, तो वो ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो एंगल जो पी और क्यू ओ होगा प्लस एंगल जो आपका क्यू ओ आर प्लस एंगल जो है आपका ओ आर पी प्लस जो पी पर एंगल डेवलप हुआ है आर पी एंड क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो यहाँ इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं और यहाँ पर ड्रा कर दूँ, ये सेंटर था, यहाँ ये आपका आर पॉइंट था, ये पॉइंट आपका आपका क्यू पॉइंट था, इनको आपने ज्वाइन किया है, यहाँ ये एस पॉइंट था, फिर ये कोण है पैरेलल टू दिस वन, राइट, और यहाँ से एक टेंजेंट गया है जो कि इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करता है, और ये पी है जो कि एंगल कितना है 30 डिग्री। यहाँ आपने इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया, राइट, इसको भी फाइंड आउट कर लिया 70 75। अब आपने क्या किया है, इस सेंटर को ज्वाइन किया है, राइट। तो जब आप इस सेंटर को ज्वाइन कराते हैं तो ये जो एंगल अब डेवलप होगा बिटवीन रेडियस एंड दिस टेंजेंट वो कितना होगा 90 डिग्री, एंड सिमिलरली फॉर दिस वन। तो यहाँ ये एंगल जो है ओ एंगल जो है ये क्यू ओ आर ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ओ आर आर ये तो गिवन है 90 डिग्री, ये क्यू एंगल भी गिवन है, राइट, और ये पी एंगल तो 30 डिग्री है। तो इनकी अगर हम वैल्यू यहाँ पर रख दें तो 90 प्लस क्यू ओ आर प्लस ये 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो ये जो क्यू ओ आर एंगल होगा ये कितना होगा 90 90 180 प्लस 30 जी 210, तो 360 माइनस 210 इज इक्वल टू 051, 50 डिग्री के होगा। तो आपका ये जो ओ एंगल आया ये कितना हुआ 150 डिग्री के। तो अब ये एस क्यू यहाँ पे ज्वाइन था, हम लोगों को ये एंगल फाइंड आउट करना है एस क्यू आर, तो हम लोगों ने एस फाइंड आउट कर लिया है, राइट, और वो कितना आया है क्यू, अभी वो इस एंगल का हाफ होगा, तो एस जो है ट्राइंगल जो एस है आर एस क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ आर, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। तो यहाँ एक ये अप्रोच थर्ड स्टेप पे यूज की है। तो अब हम लोगों के पास में इस ट्रायंगल के अंदर एस आर एंड क्यू के अंदर क्या है कि एंगल एस का भी आइडिया है और एंगल आर का भी है, केवल जो एंगल क्यू है वो हम लोगों को नहीं पता है, राइट, ये जो एंगल एस क्यू आर है तो इस ट्रायंगल के अंदर, और इन तीन का जो सम होगा वो 180 डिग्री है। तो यहाँ एस इज इक्वल टू 75 डिग्री है, आर इज इक्वल टू अगेन 75 डिग्री, एंड प्लस क्यू अननोन है, एंड दिस इज 180 डिग्री। सो ट्राइंगल जो ये है एस आर क्यू, इसमें जो एंगल क्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 150, एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो बाय दिस वे वन कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ हम ये क्यू को जो है ऐसे फाइंड आउट करते, तो ये अप्रोच यहाँ पे पहले क्या किया, एक ट्राइंगल यूज किया पी आर क्यू, उस पी आर क्यू में ये आर एंगल और क्यू एंगल फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ जो पैरेलल लाइन थी उस पैरेलल थ्योरम के इंटीरियर के अंदर जो एंगल हैं, राइट, तो वो सेम होंगे, तो यहाँ जितना एंगल है क्यू पर उतना ही ये एंगल होगा इस ट्राइंगल के अंदर एस आर क्यू के। उसके बाद में ये क्वाड्रिलेटरल यूज किया
और फिर हम लोगों ने ओ एंगल फाइंड आउट किया। ओ एंगल का हाफ जो होगा वो एस एंगल होगा, तो इस वे में ये दो एंगल फाइंड आउट कर लिए। और थर्ड को जो है भाई, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो ये यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क द क्वेश्चन और कमेंट कर।